आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। त्योहारी सीजन में खाने के तेल के दाम घट सकते हैं। सरकार ने तेलों के दाम घटाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। खाद्य तेलों की समीक्षा करने के लिए खाद्य सचिव ने खाद्य तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई। सरकार कंपनियों को 10 रुपए तक दाम घटाने के लिए कह सकती है। इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा क्योंकि कई महीने से तेलों के दाम लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों से दाम में कमी देखी जा रही है, लेकिन त्योहारों पर कमी का असर कुछ और खास होगा। सरकार अगर खाद्य तेलों के दाम कम करने में सफल रहती है तो त्योहारी सीजन में आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार इसके लिए खाने के तेल की कीमतों की समीक्षा करेगी। ये मामला संसद में भी उठ चुका है और महंगाई पर सरकार को जवाब देना पड़ा। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठा रहा है और कई दिनों से संसद की कार्यवाही महंगाई के मुद्दे पर बाधित चल रही है। माना जा रहा है कि खाद्य सचिव के साथ बैठक के बाद करीब 8 से 10 रुपए खाने का तेल सस्ता हो सकता है। वहीं तेलों के दाम घटाने की तैयारी पहले से ही चल रही है। सरकार ने कंपनियों से दाम घटाने के लिए पहले भी कहा है। इसका नतीजा देखने को मिला कि 200 रुपए लीटर पर बिकने वाला सरसों तेल 160 से 170 रुपए पर पहुंच गया है। कंपनियां पिछले महीने दामों में 20 से 25 रुपए की कटौती कर चुकी हैं। इसका असर खुदरा बाजार में भी देखा जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खाने के तेल की कीमतों में कमी आई है, जिसका फायदा धीरे धीरे घरेलू बाजार में देखा जा रहा है। विदेशी बाजारों में अपने उच्चतम स्तर से 50% तक खाने का तेल सस्ता हुआ है। वहीं दरअसल भारत में अपनी जरूरत का तेल भी नहीं हो पाता है। अपनी खपत का अधिकांश हिस्सा विदेशों से उन्हें आयात करना होता है। जब विदेशी बाजार में तेल महंगा होता है तो घरेलू बाजार में भी इसका व्यापक असर दिखता है। पिछले एक साल में यही स्थिति पैदा हुई है। मलेशिया से पाम ऑयल का आयात होता है और जब वहां दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी दाम बढ़ जाते हैं। अभी विदेशी बाजार में दाम घटे हैं, इसलिए भारत में भी राहत मिल रही है। भारत अपनी जरूरत का 60% तेल आयात करता है और यही वजह है कि विदेशी दाम पर भारत के दाम भी निर्भर करते हैं। दूसरी ओर तेल कंपनियों ने खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट हटाने की मांग रखी है। इस पर सरकार को अपना फैसला लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।